हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन ऑफ माय डिज़ायर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक यू ऑल दैट यू हैव ट्रस्ट मी एंड यूज माय सर्विसेज। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ वी पैक एक्टर्स विद मोर प्रोटेक्शन। फ्रेंड्स, कैक्टस को पैक करना कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। अगर पूरा प्रोसेस आप समझेंगे तो आप इजीली कैक्टस पैक करके अपने कस्टमर्स को, या आप कहीं शिफ्ट कर रहे हैं तो आप वहां से दूसरी साइड तक भेज सकते हैं। फॉलो दीज फोर स्टेप्स। स्टेप नंबर वन, अपने हाथों की सेफ्टी देखते हुए प्लांट को पॉट से अलग करना है और इसका सॉइल रिमूव करना है। सेकेंड स्टेप, जैसा आप देख पा रहे हैं कि सॉइल रिमूव करने के लिए मैंने सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल किया है। तो आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है या मार्केट से, आप कोई भी पेंट ब्रश यूज़ कर सकते हैं, वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। सॉइल जितना ज़्यादा आप रिमूव कर सकें उतना बढ़िया है। थर्ड स्टेप, सॉइल रिमूव करने के बाद रूट स्ट्रक्चर से अब हमें इस प्लांट को ऐसी जगह रखना है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर ना गिरे, और ये ड्राई होने में इसको 2 से 3 दिन लगेंगे। एक ख़ास चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको जिस भी सरफेस पे आप रखेंगे उसके नीचे न्यूज़पेपर या कार्डबोर्ड ज़रूर रखें, ताकि नीचे से वो मॉइस्चर कैच ना कर सके। अगर आप किसी बास्केट में रखेंगे जहाँ पे चारों तरफ से उसको हवा मिल सके तो बहुत ही अच्छी बात है, जल्दी ही आपका प्लांट ड्राई हो जाएगा और भेजने के लिए तैयार हो जाएगा। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी ये गुजारिश है, आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करें ताकि मेरी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस हैं या जितनी भी पुरानी वीडियोस हैं जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं प्लांटिंग में, गार्डनिंग के अंदर, तो वो आप तक पहुंच सके। फोर्थ एंड फाइनल स्टेप, पैकिंग करने से पहले रूट स्ट्रक्चर पर आपको फंगिसाइड अप्लाई करना है ताकि ट्रांजिट में वो ख़राब होने के चांसेस बहुत कम हो जाए। स्पेशली फॉर बिगिनर्स, जिनको फंगिसाइड के बारे में नहीं पता और उनको ये सवाल उनके मन में रहता है कौन सा फंगिसाइड लेना चाहिए कौन सा नहीं, तो उनकी हेल्प के लिए मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर 3 से 4 फंगिसाइड प्रोडक्ट का मैं लिंक शेयर कर देता हूं, तो आप डायरेक्टली अमेजोन से होम डिलीवरी ले सकते हैं उन फंगीसाइड का। जैसे कि हम लाइव प्लांट्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो अगर मैं उसी के बारे में ही केवल बात करूं तो उसके पैकिंग के अंदर कॉरोगेटेड बॉक्स का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम अच्छी क्वालिटी का कॉरोगेटेड बॉक्स इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट अच्छी तरह डिलीवर नहीं होगा और आपका कस्टमर रिव्यू टूट जाएगा। तो आप कॉरोगेटेड बॉक्स अगर अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करेंगे, पैकिंग मटेरियल अगर अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करेंगे, तो आपके प्लांट डैमेज नहीं होंगे। लंबे समय तक भी अगर वो ट्रांजिट में है तो प्लांट पूरी तरह सेफली वहाँ पहुँच जाएंगे। लीडिंग सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन तीनों जगहों पे हमारा चैनल अपडेटेड रहता है। आप वहाँ पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं हमारे कस्टमर रिव्यूज़। ऑल ओवर इंडिया कस्टमर रिव्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे। आपके सपोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। उसी प्रोत्साहन से ही मैं आगे नए नए वीडियोज़ बना रहा हूँ ताकि मैं अपनी जानकारी आप तक शेयर कर सकूँ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।